Hey everyone, welcome back to my new video. So, आ चुकी है आपकी प्रिया वापस से एक नई वीडियो को लेकर. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. एक्चुअली आज के इस वीडियो में मैं अपना वीकली शेड्यूल बताने वाली हूँ कि मैं अपने स्किन के लिए, एक हेल्दी स्किन पाने के लिए और एक हेल्दी हेयर पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करती हूँ. वैसे तो हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर सब पाना चाहते हैं, मगर टाइम किसी के पास नहीं है. मगर अगर आपको एक हेल्दी स्किन और एक हेल्दी हेयर चाहिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा. एटलीस्ट वीक में एक दिन तो आप अपने लिए निकालो ही निकालो. मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताऊँ ना, मैं सैटरडे नाइट को या फिर संडे को अपने लिए एक दिन पक्का ही निकालती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. एक तो मुझे स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस वजह से भी मैं अपना टाइम वीक में एक दिन के लिए तो पक्का निकाल ही लेती हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कोल्ड वाटर से. कोल्ड वाटर को अगर आप अपने फेस पे यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, आपके आईज़ के अराउंड जितनी भी पफिनेस होती है, वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर लेते हो या फिर टेंशन लेते हो, इसकी वजह से क्या होता है, आपके आईज़ के अराउंड डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और पफिनेस आ जाती है. तो इससे करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी पफिनेस होगी आपकी स्किन पे वो रिमूव हो जाएगी. साथ ही साथ जिनकी ऑयली स्किन होती है वो अच्छे से जानते हैं उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है. साथ ही साथ अगर आप समर सीज़न में होते हो तो क्या होता है कि अगर आप बाहर निकलते हो धूप वगैरह में तो आपको सनबर्न हो जाती है, तो उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा राहत देती है और साथ ही साथ एक अच्छा सा हेल्दी सा ग्लो प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं. वैसे तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, केवल कोल्ड वाटर ही लिया है, पर इसके साथ ही आप इसमें आइस क्यूब्स, रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होगा. 4 to 5 minutes के बाद अब बारी आती है स्क्रब की. स्क्रब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, केवल 10 रुपये की ये पैकेट है, हिमालय की स्क्रब है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है. अभी चलते हैं स्क्रब पे. स्क्रब के लिए ज़्यादा स्टेप नहीं करने होते, 3-4 स्टेप मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया है, स्टिल अब मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4 to 5 minutes तक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसे. इसको अपने फेस पे लेके रब करना है. 2-3 स्टेप है, सीजर स्टेप है, इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं. स्क्रब करने का बेनिफिट्स तो मैंने अपने 2-3 वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट वीक में एक बार तो आप स्क्रब पक्का ही करो. कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट होगा तभी करो. कोई बात नहीं, आप घर की चीज़ों से भी अपना स्क्रब कर सकते हो. स्क्रब करने से आपके फेस पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, और इसके बाद आपके स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. इससे क्या होता है, जो भी आप अपने स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है. यहाँ पे आप मेरे फेस पे डिफरेंस खुद ही देख पाएंगे. अब बारी आती है फेस पैक की. ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे ऐसी ठंडी सी जो राहत मिलती है ना अपने फेस पे, वो बहुत ही मस्त होती है. और इसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है. अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो आप उसे यूज़ कर लें. मुल्तानी मिट्टी में आपको एलोवेरा जेल भी उसमें ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर के साथ. और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप, अगर आपके घर में बेसन होता है तो बेसन, हल्दी और शहद का मिक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस पैक. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक फेस पैक की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. अभी इस फेस पैक को लगाने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट तक रखना है. और अब 20 मिनट तक आप इसको रखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लगा के सो जाओ. चलिए अभी तो फेस का हो गया केयर, अब करते हैं बालों की. तो इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले एक ऑनियन. सबसे पहले आपको इस ऑनियन को अच्छे तरीके से छिल लेना है और इसका जूस निकाल लेना है. और भाई साहब, ये ऑनियन जूस जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए जादुई रूप से काम करता है, क्योंकि ऑनियन के अंदर सल्फ़र पाया जाता है. और सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्कल्प पे जितने भी पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अगर ऐसा है कि आपके हेयर पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अभी क्या हुआ कि पूरे के पूरे सारे के सारे हेयर जो है आपके स्कल्प से निकल चुके हैं, तो ये आपके हेयर को रीग्रोथ कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. उन पोर्स को न्यूट्रिशन दे के उन्हें एक्टिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. आफ्टर 20 मिनट्स मेरा ये फेस पैक जो है वो अच्छे तरीके से सूख चुका है, तो अभी इसको हम वॉश कर लेंगे. और इस बार मैंने पापा का गमछा यूज़ नहीं किया है, इस बार मैंने कोई काम चोरी नहीं दिखाई, मैंने अपना टॉवल खुद से जाके ढूंढा है. पिछली वीडियोस में तो मैंने अपने पापा के गमछे से ही मुँह पोंछ लिया था,
यहाँ पे हम अपना ऑयल रेडी करेंगे। ऑयल रेडी करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही ऑनियन जो जो हमने लिया था वो उसको लेना है। इसके साथ ही आप विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हो, एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो। बस इसके बाद आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे तरीके से इस ऑयल को लगाना है और इसे ओवरनाइट तक रखना है। ध्यान रहे, अगर आप इस ऑयल को लगाते हैं तो उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, वो केवल ऑनियन की वजह से आती है। मगर फिर कोई नहीं ना, अगर आपको हेयर ग्रोथ करानी है तो इतना तो बनता है ना। इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके बाल टाइट हो गए हैं, पर डरना नहीं, जब आप इसको वॉश करोगे तो आप रिजल्ट खुद ही देख पाओगे। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाओ और उसी टाइम इसको मसाज दे दो, वरना बाद में ये टाइट हो जाता है तो फिर अच्छे से मसाज नहीं हो पाती है। इसी तरीके से पूरे स्कैल्प पे आपको लगाना है। अगर ऑयल थोड़ा सा भी बच जाए तो आप उसको पूरे हेयर्स में लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले स्कैल्प में लगाना है। और यहाँ मैं अपने सर के मसाज कर रही थी ना, मुझे खुद से नींद आ रही थी मसाज करते वक्त। आधे स्कैल्प पे लगाते टाइम मेरे को इतनी जोर से नींद आ रही थी, मन कर रहा था जाके मैं सो जाऊं, पर नहीं, कैसे भी करके मैंने फटाफट अपने पूरे स्कैल्प पे लगाया। ये करने के बाद मैंने एक अच्छा सा बन बना लिया। बस यहीं पे ख़त्म होती है मेरी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप मेरा वीडियो देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं तो चलिए सोने, बाय।